नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय खबर। मेरे पीछे आप देख रहे सकते हैं कि किस तरह से मोटरसाइकिलों का और गाड़ियों का जत्था है। आपको बता दूं, ये पूरे भारत भर में विश्व हिंदू परिषद की ओर से राम मंदिर को बनाए जाने को लेकर चंदा इकट्ठे करने के लिए पूरे भारत भर में रैली निकाली जा रही है। आपको बता दूं, उसी को लेकर आज चंडीगढ़ के सेक्टर 29 से सेक्टर 24 तक रैली निकाली जाएगी, जिसको जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये रैली बाय मोटरसाइकिलों के जरिए वहाँ तक 24 तक जाएगी। आपको आगे बढ़ते हुए बताऊं कि ये वही राम मंदिर है जिस पर कई समय से एलिगेशन लगा हुआ था। बाबरी मस्जिद जो बाबर है उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। भारतीयों द्वारा कहा जा रहा था कि ये जो बाबरी मस्जिद है वो राम मंदिर तोड़ने के बाद बनाई गई है। जो 6 दिसंबर 1992 के करीब जब एक क्रांति की लहर दौड़ी थी, जिसके बाद से पूरे जितने भी हिंदू परिषद के लोग थे, अन्य जितने भी दल थे, सेवा राम मंदिर को लेकर जितने भी भक्त थे वो उमड़े और उन्होंने राम मंदिर के निर्माण के लिए जो बाबरी मस्जिद का वो था ढांचा था उसको गिरा दिया। उसके बाद कई सालों तक ये जितना भी मामला है वो कोर्ट समय दर समय और जितनी भी पैरवी लगती गई उसके साथ ये अटका रहा। पर बीजेपी सरकार में 2019 के करीब ये जो कोर्ट का मामला था हाई सुप्रीम कोर्ट से, इसको क्लीन चिट मिल गई और राम मंदिर निर्माण के लिए इसका शंकनाद कर दिया गया। उसके बाद सन 2020 में इसका निर्माण के आदेश और एक कमेटी गठित की गई, जिसमें राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा इकट्ठा करने की तैयारी शुरू हो चुकी थी। आप मेरे सामने इस वक्त तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से जो चंदा इकट्ठा करने के लिए राम भक्त हनुमान भक्त मिलकर पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में रैली कर रहे हैं। आपको बता दूं, ये रैली 14 जनवरी से लेकर 27 फरवरी यानी कि 44 दिन तक चलने वाली है। इसमें लोगों को चंदा देने के लिए प्रेरित किया जाएगा। 100 रुपये, 10 रुपये व 1000 रुपये की जो कूपन है वो निकाले गए हैं, अथवा जो 2000 के कूपन है उनके लिए जो 2000 रुपये जो देना चाहेंगे उनको एक तरह की पर्ची काट के दी जाएगी। उसके साथ ही आगे लेता चलूँ आपको, ये जो रैली है पूरे भारत भर में निकाली जा रही है, उसके ये जो प्रेरित करने को लेकर कि राम मंदिर के लिए चंदा जनता आम जनता प्रेरित हो और चंदा दे, जो इतने समय से लड़ाई चली आ रही थी उसको लेकर कहीं ना कहीं एक लोग भक्तों के अंदर आस जो थी उनके अंदर राम मंदिर के बनने को लेकर वो कहीं पूरी होते हुए दिखाई दे रही है। अब मोदी द्वारा शिलान्यास करने के बाद अब जो लोगों का भीड़ है, जत्था है, वो राम मंदिर में ईंट दर ईंट अपने हिस्से के पैसे से लगाने में जुटी हुई है। ये जो रैली है ये पूरे भारत में भर में 4 लाख गांव, 44 करोड़ परिवारों तक पहुंचने की जो इनकी आशा है कि ये लोगों तक पहुंच पाएंगे। इस वक्त ये रैली आप देख सकते हैं कि निकल चुकी है, जो 29 सेक्टर है यहां से ये निकल के इंदिरा हॉलीडे होम सेक्टर 24 तक जाएगी और इनका मेन मोटिव यही रहेगा कि किस तरह से लोगों को प्रेरित किया जाए चंदा देने के लिए। इसके बाद से कल से इन्हों 44 दिन की यात्रा है, कल से लोगों को प्रेरित करेंगे, घर जाएंगे। आज फिलहाल ये रैली निकाली गई है, परंतु इसके बाद से लोग घरों में जाकर संगठनों के साथ ये रैली निकाली जाएगी। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं राहुल तिवारी, राष्ट्रीय खबर।